हे गाइस, तो पिछले कुछ टाइम में तारक मेहता शो के जो एक्टर्स हैं वो तारक मेहता शो छोड़कर जा रहे हैं। तो गाइस, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जो तारक मेहता शो के फैंस हैं ना, ज्यादातर उनका क्या रिएक्शन रहा जब जो तारक मेहता शो के एक्टर्स हैं वो तारक मेहता शो क्विट कर रहे हैं उस पर। तो गाइस, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों दया के शो छोड़ने पर। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। आप खुद भी कितना ज्यादा चाहते थे कि दया वापस आए, दिशा वकानी शो में वापस आए पिछले 2 साल से जब से उन्होंने शो छोड़ा था। तो भाई, दया के शो छोड़ने पर फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मतलब सारे लोग बोल रहे थे कि दया को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, हमें कोई नई एक्ट्रेस भी नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी दिशा वकानी ही चाहिए दया के रोल में। और मतलब इतना ज़्यादा फैंस का रिएक्शन आया कि वापस लाओ, वापस लाओ, मतलब पूरे 2 साल तक यही चलता रहा और आज भी चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली ही न्यूज़ आई 4-5 दिन पहले ही कि बावरी, जो शो की बावरी हैं यानी कि एक्ट्रेस मोनिका भडौरिया, तो वो भी अब तारक मेहता शो छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने शो क्विट कर दिया है और ये न्यूज़ उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। और इसका रीज़न ये था कि मेकर्स उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे थे उनकी फीस बढ़ाने की, तो इसी वजह से उन्होंने शो क्विट कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पर फैंस का रिएक्शन अगर हम दया की बात करें, जैसे दया के पीछे तो यार लोग बहुत गुस्सा थे कि वापस लाओ, वापस लाओ, यहां पर बावरी के शो छोड़ने पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ है। यानी कि तारक मेहता शो फैंस बोल रहे हैं कि चलो बढ़िया है, बावरी का वैसे भी इतना बड़ा रोल तो था नहीं, चलो अब कोई नई बावरी ही देखने को मिल जाएगी शो में, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि नई बावरी कौन आती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे फैंस का ही यही रिएक्शन है, ज्यादातर फैंस का यही रिएक्शन है कि उनको ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है बावरी के जाने से। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी आपको पता है कि बावरी का रोल बहुत ज्यादा छोटा सा है, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये कि अब ज्यादातर फैंस का सोचना यही है कि नई जो बावरी आएगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बावरी ज्यादा अच्छा कर जाए और नई बावरी के साथ हमें कुछ नया देखने को मिले, नई स्टोरीज भी हो सकती हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि सिर्फ दया के साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा फैंस की डिमांड थी, कुछ साल पहले दोस्तों 2013 में सोडी के साथ भी हुआ था, जब सोडी ने 2013 में शो क्विट किया था, उसके बाद भी फैंस का जो डिमांड था ना, मतलब सोशल मीडिया पर हर जगह कि पुराने सोडी को ही वापस लाओ, वापस लाओ, तो मेकर्स को 2014 में नए पुराने सोडी को लाना ही पड़ा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अलग बात यह है कि बावरी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।